हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर हैं, उनका कहना ये है कि सर क्या बिना सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर लगाए भी जीएसटी लगा सकते हैं क्या? तो देखिए, सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर तो आपको लगाना ही है, तो ये तो लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर आप हर एक आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट भी देते हैं तो भी आपको बिल पर ये दिखाना पड़ेगा ना कि कितना आपका जीएसटी लगा हुआ है, तो इसके वजह से सीजीएसटी एसजीएसटी देना ही पड़ेगा। तो देखिए, आइए चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वाउचर एंट्री पास करनी है, वी प्रेस कर लेते हैं वाउचर में जाने के लिए। और पहली एंट्री हमें अब परचेज वाउचर में पास करनी है, और उससे भी पहले ये देखना है कि क्या हमारे कंपनी में कोई भी कैश अवेलेबल है, तो क्या कोई पहले से एंट्री हुई है, आइए देख लेते हैं। दो बार डी प्रेस करते हैं तो यहाँ डे बुक में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इट मींस कि कोई भी एंट्री पास अभी नहीं हुई है, तो पहली एंट्री पास करनी है। तो चलिए आइए पास कर लेते हैं, यहाँ से वी प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 फंक्शन बटन प्रेस करेंगे, आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। अब यहाँ पर पहली एंट्री पास कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा काम 2/4/2019 से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2/4/19 से ही हमारा काम शुरू हो रहा है, तो ये हमने कर लिया क्रेडिट। ये जो कैपिटल अकाउंट है इसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमेशा ही क्रेडिट होता है, और इसमें कुछ पैसे रिसीव करा रहा हूं मैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 1,00,000 रुपए मैं रिसीव करा दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कैश कर दूंगा, एंटरप्राइज करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। अब हमें चलना है वापस से, और यहाँ पर आ जाना है कहाँ, परचेज वाउचर में अप्लाई प्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ जाएगा, एंटरप्राइज करेंगे वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, तो 2/4/2019 को ही हम कर रहे हैं ये परचेजिंग, एंटरप्राइज करेंगे, और यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का नाम हमने लिया है यहाँ पे महेश ब्रदर्स, ठीक है। अगर कोई और क्रेडिटर पार्टी का नाम हो तो आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, खाता बना सकते हैं। कैसे? ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और वो खाता बना लीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकेश गारमेंट्स, तो यहाँ लोकेश गारमेंट्स हमने दे दिया, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज किया, ये जाएगा किसमें? ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि ये क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्रेडिटर में जाएगा। यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, और इसको एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। और ये सारी डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं कि डिस्पैच किस चीज के थ्रू हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, कैरियर एजेंट का क्या नाम है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, मैंने फिलहाल इनको छोड़ दिया है। यहाँ पर आएंगे, अब जो भी स्टॉक आइटम है जैसे गारमेंट्स है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लोअर, तो ये कर दिया हमने लोअर, और ये लोअर है, इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, इसे प्राइमरी में ही रख देते हैं, अगर चाहे तो आप बना भी सकते हैं। जैसे इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ गारमेंट्स, ओके, ये कर दिया, इंटरप्रेस किया, इंटरप्रेस किया, और यहाँ इसे प्राइमरी में डाल देता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ, इंटरप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आइटम रख देते हैं, पहले से मैंने बना रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ सेट अंडर जीएसटी डिटेल को यस कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि ये है क्या, ये है लोअर, तो यहाँ लिख देता हूँ लोअर डिस्क्रिप्शन में, एक्सेल कोड को छोड़ता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ वैल्यू रहेगा, यहाँ पर टैक्सेबल कर देते हैं, टैक्सेबल कर दिया। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो टैक्स हमने लगा रखा है वो 28% लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर कितना लग रहा है, 10% टैक्स लग रहा है, ठीक है, गारमेंट्स पे मान लीजिए, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये गारमेंट्स पे हमने 10% का टैक्स लगाया। अब मान लीजिए 100 लोअर की परचेजिंग हमने की, तो एक लोअर हमें पड़ रहा है 220 रुपए का, ठीक है, हमें पड़ रहा है, खरीद रेट जो पड़ रही है वो 220 की पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टैक्स रेट देखना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आ जाएगी, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2200 रुपए टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर कुल कीमत कितनी आ रही है, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, देखिए अभी कुल कीमत 22,000, ठीक है, तो यानी कि अभी हमने जीएसटी तो लगाया नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर लगाता हूँ, देखिए ये सीजीएसटी हो गया, अब ये एसजीएसटी की बात कर लेते हैं, ये एसजीएसटी हो गया, तो अब यही हो गया 24,202 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले था 22,000, अब हो गया 24,000, ठीक है, 24,202 रुपए हो गया, तो ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कराता हूँ, तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, बाहर आएंगे, यहाँ पे दो बार डी प्रेस करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्स एनालिसिस हमें देखना है, तो पहले कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस नीचे आ रहा है, यहाँ पर आ जाता हूँ, एंटर प्रेस कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस यहाँ पे आपको दिखाएगा पूरा, ठीक है, ये टैक्स एनालिसिस है, 2200 रुपए कुल मिला के टैक्स लगा हुआ है। चलिए पी प्रेस करते हैं, और यहाँ से करंट, ठीक है,
एंटर एक बार और प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू देखने के लिए आई प्रेस करेंगे तो ये प्रीव्यू देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू आया हुआ है। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट इस तरह से दिखाई पड़ रहा है और ये कंप्यूटर वर्ल्ड हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है, और ये हमारी सप्लायर पार्टी है, ठीक है, जिसकी तरफ से ये बिल जारी हुआ है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये बिल हमें दिखाई पड़ेगा।